शुक्रवार को हुई संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में नॉर्थ कोरिया के मिसाइल परीक्षण को उकसाने वाली कार्रवाई बताते हुए कड़ी निंदा की गई। पत्रकार रामचंद छत्रपति और पूर्व डेरा समर्थक रंजीत सिंह की हत्या मामले में गुरमीत राम रहीम पर पंचकुला की सीबीआई अदालत में सुनवाई आज। पंचकुला और सिरसा में सुरक्षा के कड़े इंतजाम। रोहिंग्या मुसलमानों को वापस भेजने का विरोध करेगा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने प्रद्युम्न मामले की जांच सीबीआई को सौंपी। अगले 3 महीने तक रायन इंटरनेशनल स्कूल प्रशासन राज्य सरकार के हवाले। इस केस को सीबीआई को जांच के लिए सौंपा जाता है, इसलिए सीबीआई और सीबीआई को भी मैं एक अपील ही कर सकता हूं कि इस केस को बहुत जल्दी से जल्दी इसकी इन्वेस्टिगेशन करें। गौरी लंकेश हत्याकांड की जांच में एसआईटी की मदद करेगी स्कॉटलैंड यार्ड। स्कॉटलैंड यार्ड पुलिस के 2 अफसर बेंगलुरु पहुंचे। सरदार सरोवर बांध के खुलने से मध्य प्रदेश के कई गांव के नामो निशान मिटने का खतरा। चेतावनी के बाद भी घर के बाहर धरने पर बैठे हैं निसरपुर के मोहन भाई। इस बार मॉनसून सामान्य से नीचे रहने से देश में 236 जिले सूखे की चपेट में आ सकते हैं। 9 जिलों में मानसून में 60% की कमी दर्ज की गई। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा ड्राइविंग लाइसेंस के लिए भी जरूरी होगा आधार। और जीएम सरसों के कमर्शियल इस्तेमाल को लेकर केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि अभी तक इस पर कोई फैसला नहीं लिया गया। मामले की अगली सुनवाई 22 नवंबर को होगी।